एडीजी के नेतृत्व में शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च रीवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के मार्गदर्शन में शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें शहर के नगर पुलिस अधीक्षक यातायात डीएसपी सहित सभी थाना के प्रभारी दलबल के साथ मौजूद रहे। फ्लैग मार्च में निकले इस तरह फ्लैग मार्च में जहां जहां शहर में अमन चैन का माहौल निर्मित होगा, वहीं अपराधियों को भी भय का वातावरण बना रहेगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। मुख्य रूप से हमारे जोन में जितने भी ज़िले, चार ज़िले में और अराउंड 84 थाने हैं और 19 सब डिवीज़न में, सभी में और चौकियाँ हैं, सभी में अभी हमारे विभाग अध्यक्ष द्वारा निर्देश भी दिया गया और पहले से भी निर्देश है कि पुलिस जो है पैदल गश्त करना चाहिए। वैसा गश्त का जो रात में होता है गश्त जनरली थानों में रात में होता है, तो क्या पॉइंट्स पे रहते हैं लोग, अपना अपना एरिया का देखते हैं, मगर जो बेसिक पुलिसिंग में जो है पैदल गश्त दिन में भी है शाम को में भी है, ऐसा पुलिस एक्ट में लिखा है। तो अपने कस्बे में, अपने क्षेत्र में, गांव में घूमना चाहिए। इसमें क्या होता है जो थोड़ा प्रोएक्टिव पुलिसिंग रहता है। अभी आपने देखा होगा जब चुनाव आता है, चुनाव में ही हमला पुलिस वाले बहुत प्रोएक्टिव हो जाते हैं। हमने देखा होगा अभी चुनाव में ही हम लोग 1 करोड़ के करीब करीब गांजा और शराब पकड़े हैं पूरे जोन में अगर देखेंगे तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम। तो 2 महीने के पीरियड में आप देखा होगा पुलिस बहुत ही प्रोएक्टिव हो जाता है। आपके गांव में एचएस लोगों को और गांव में जो रंगदार रहते हैं, बदमाश रहते हैं, उन पर नज़र रखना, करीब करीब हम लोग तो मतलब 20,000 तक 107-16 वगैरह करवाया, मतलब उतने लोगों को हमने पाबंद किया कि चुनाव में आप कोई गड़बड़ी ना, चुनाव के टाइम में अपना ज़्यादा एक्टिव है। मगर जब चुनाव हो जाता है या ऐसा कोई विशेष अभियान हो जाता है, फिर नॉर्मल जब आते हैं, नॉर्मल स्थिति में हम लोग क्या है फिर पुलिसिंग थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। इसलिए हम हमारे विभाग के अध्यक्ष का मंशा था कि पैदल गश्त करना है। पैदल गश्त शहर में, कस्बे में नहीं, हम लोग तो पूरे क्षेत्र में, तो देहात में, चौकियों में भी कर रहे हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बीट पुलिसिंग के जो प्रणाली पहले से चलते आ रहा था, बीट पुलिसिंग प्रणाली एक बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक पुलिसिंग का एक स्ट्रेटजी है, वो हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे करके वो जा रहा है, तो उसको फिर से उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। बीट पुलिसिंग क्या है, एक थाने में मान लो अगर 5 बीट है, 6 बीट है, एक बीट में मान लो अगर 10 गाँव हैं, तो उस गाँव में बीट अधिकारी अपने गांव का क्षेत्र के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कितने विद्यालय है, कितने हॉस्पिटल है, कितने कारखाने हैं, तो उस गांव में कितने एचएस है, कितने गुंडे हैं, कितने पेंशनर है, कितने लाइसेंसदार है, तो उनकी रिकॉर्ड देखना पड़ता है बीट प्रभारी को। बीट प्रभारी वगैरह उनको जनरली आजकल ये जा रहा है सिस्टम, फिर हमको उसको रीएक्टिवेट कर रहे हैं। क्या होता है था गांव में कौन आ रहा, कौन जा रहा, आने से अगर बाहर वाला आता है गांव वालों को पता चल जाता, और हम लोगों को पता नहीं चलता। पहले पता चल जाता था क्योंकि पहले कोटवार सिस्टम था, चौकीदार सिस्टम, अभी पता नहीं चला, तो इसलिए फिर से वो रीएक्टिवेट हम बेसिक पुलिसिंग में जा रहे हैं। पैदल गश्त का यही हमारा मंशा, एक उसका अंश है पैदल गश्त का कि आज हमने निकाला है, तो एक प्रभावी ढंग से फिर से हम पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग पर हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जितने भी वारंट है, बहुत सारे वारंट है, अभी अपने एक ऑपरेशन चालू किया, तो अभी कल परसों हमने सिंगरौली में रात भर ऑपरेशन किया, 70 वारंट्स पकड़ लिए। तो कभी कभी पुलिस की कमी वजह से हम लोग उतना नहीं कर पाते, मगर अचानक अभी करेंगे तो उसमें हम लोगों का पुलिसिंग में काफ़ी प्रभावी कार्रवाई। वैसे तो हमारे एसपी साहब ने
और हमारे ज़िले की रीवा का पुलिस के सभी एसडी ऑफिस है, टीआईज है, अभी चुनाव में काफ़ी मेहनत किया है रात दिन। आपने देखा वो शांतिपूर्ण ढंग से एक एक डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए जिम्मेदारी से हमने साइलेंटली हमने हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है। अब समाज में शांति भी है, शांति है तो प्रगति होता है, देश आगे बढ़ रहा है, तो इसके कहीं ना कहीं हम पुलिस से जुड़ा है। अगर देश में प्रगति हो रहा है तो इसका मतलब शांति है, शांति है इसका मतलब पुलिस कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो पुलिस वाले रात दिन मेहनत करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, समाज में कौम में शांति बनाए रखने के लिए, हारमोनी रखने के लिए, तो रात दिन हम मेहनत करते हैं, टाइम भी नहीं मिलता बेचारे, 24 घंटे व्यस्त रहते हैं। तो ये सब प्रक्रिया कर रहे हैं।